Hi Sonu, welcome to the Quint. Hey, thank you so much, Mira. God bless you. Always a pleasure connecting with you. सेम या सेम या अच्छा पहले तो ये बताइए कि अभी जो आईटी रेड हुआ, वी विल टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. डिड यू एक्सपेक्टेड, डिड यू सी इट कमिंग? बचपन में सुना था कि जब आप जिंदगी में कुछ सही सही करना चाहते हैं तो मुश्किलें बड़ी आती हैं। वो पेरेंट्स दिखाते आए, पर एक्सपीरियंस जब आप घुसते हैं उस लाइन में तब पता चलता है। बट दे ऑलवेज थॉट कि व्हेन यू ट्राई टू स्विम अगेंस्ट द टाइड, यस द एफर्ट्स आर मोर, बट मंजिल जल्दी मिल जाती है। हम लोग यूजुअली देखते हैं कि एक्टर्स के घर में, पॉलिटिशियंस के घर में रेड होता है, ठीक है? इट्स लाइक हैव यू अराइव्ड, हमारे घर में भी रेड हो गया. व्हाट वाज दैट प्रोसेस लाइक? कैसे होता है? व्हेन यू इमेजिन अबाउट इट, बहुत फिल्मी है मेरे दिमाग में, ठीक है? बट एग्जैक्टली टेल मी हाउ इट हैपेंस. व्हाट हैपेंड टू यू? पहले ऑफिस, फिर घर, घर में फैमिली का रिएक्शन प्लीज बताइए क्या हुआ. हर चीज साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होते हैं। तो मैं भी उनसे पूछ रहा था कि ये करते कैसे भैया, आप हमें भी बताओ क्या प्रोसेस क्या है। सो दे सेड कि सब एक जगह एक टाइमिंग सेट होता है कि सुबह 6 बजे जाएंगे तो सब जगह ऑफिस घर रिश्तेदार सब जगह 1 बजे एक साथ पहुंचते हैं। वो लोग एक साथ नॉक होते हैं डोर्स एंड दे कम एंड वी वेलकम द गेस्ट। और इस बार भी सुबह 6:15 बजे द गेस्ट वर एट द डोर एंड सेड प्लीज वेलकम एंड लेट्स मेक योर एक्सपीरियंस द मोस्ट स्मूदेस्ट एंड द बेस्ट एवर। So, मैंने बोला कि जब आप जाएंगे यहाँ से, जब भी जाएंगे 3-4 दिन बाद, तो मैं आपको ये कहना चाहिए कि यार बड़ा इजी था वहां पे, बहुत मजा आया और दैट्स व्हाट माय एफर्ट वुड बी। और जब वो 4 दिन बाद गए तो मैंने बोला कि जो मैंने आपको वादा किया था कि सबसे मजेदार होगा एक्सपीरियंस आपका था या नहीं था, दिस सेड था। सो आई थिंक दैट्स माई जॉब इज डन, आपको जो चाहिए था मैंने दे दिया है और जो नहीं है वो भी भिजवा ही दूंगा। आई थिंक दे आर डूइंग देयर जॉब एंड आई एम डूइंग माइन। How did the family react? Wife, bache, were they a little worried, or what was it like? Was it just tense situation? No, I think obviously my son was a little tied up क्यों घर से बाहर नहीं निकल सकते and वो थोड़ा सा for kids it's always a process to adjust कि यार अभी घर से बाहर नहीं निकलना है, you don't have your mobile phones with you ना। But the important thing is कि काम है, प्रोसेस है, करना जरूरी है। ये जो आईटी अथॉरिटीज है, उन्होंने दे हैव अलेज्ड दैट देयर हैव बीन 20 करोड़ टैक्स इवेशन ऑन योर पार्ट. हाउ डिड दे अराइव एट द फिगर एंड व्हाट इज योर रिस्पांस टू दिस एलिगेशन? कोई भी चीज के लिए पेपर्स मांगे जाते हैं तो उसका बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और आपके पास ऐसा नहीं होता कि 10 साल पुराने पेपर्स बिल सब आपके पास पड़े होंगे। अगर मैं भी आपके पास आऊंगा कि अवीरा यार मुझे बताओ कि आपने 10 साल पहले ये पीछे का जो कैबिनेट था या ये था वो था उसका मत दिखाइए पूरा। सो आई मीन इट्स नॉट इजी टू फाइंड, ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम टू पुट ऑल थिंग्स टुगेदर एंड ऑल, बट यस आई विल मेक श्योर दैट एवरी डॉक्यूमेंट इज गिवन टू देम। वी हैव गिवन मोस्टली ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो भी उनको चाहिए एग्रीमेंट्स चाहिए सब दे दिए गए हैं। एंड इट्स अ प्रोसेस, सरकार का प्रोसेस है। वी विल मेक श्योर दैट एवरी thing that they need will be on the table soon and I'm sure जो भी अगर कुछ गलती रहेगी तो उसकी उसका हम fine भी भरेंगे। Like a law abiding citizen of this country I'll make sure that everything is right and we'll follow every rule. But do you think this IT raid is politically motivated? Because it happened, the timing is such, just days right. after you announced your Aam Aadmi Party's Desh Ka मेंटर प्रोग्राम. आई डोंट नो पीपल रिएक्ट लाइक दैट, पीपल लोग बोलते होंगे या मैंने कुछ देखे भी सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट थे, बट मैं तो पहले से ही पढ़ा रहा था। इट्स नॉट दैट आई हैव नॉट बीन टीचिंग, माय मदर इज वाज अ प्रोफेसर, उन्होंने सारी जिंदगी पढ़ाया है, हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाया। सो बट जब दिल्ली की सरकार ने मुझे बोला कि हम देश के मेंटोर प्रोग्राम बना रहे हैं और हम लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है बहुत कमाल का था। अरविंद जी का विजन बड़ा कमाल का था और उन्होंने जब मुझे एक्सप्लेन किया आई वाज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट ऑल दिस किड्स हु डोंट हैव अ विजन व्हाट टू डू। हमारे टाइम पे इंजीनियरिंग और मेडिकल दो चीजें होती थी और अभी हजारों चीजें हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं कि कैसे पढ़ाना। एंड व्हेन यू बिकम द मेंटर आप उनको सिखाना चाहते हैं, तो आई थॉट इट्स अ ग्रेट प्रोग्राम और आई शुड इफ दे फील दैट आई डिजर्व टू बी द फेस ऑफ इट आई आईड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और मैंने वैसा ही किया, इट वॉज नथिंग पोलिटिकल। और इनफैक्ट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी सबसे पहली बात यही थी कि कुछ पोलिटिकल नहीं है, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मैसेज। सो आई डोंट नो कि किस चीज का रिएक्शन था, बट मकसद तो देश को पढ़ाना है और वो पढ़ाएंगे भी। बट वो टाइमिंग बहुत अजीब नहीं था? आपको नहीं लगता कि ये आईटी रेड का टाइमिंग बड़ा ही अजीब था?
वो तो वही बता सकते हैं, मुझे तो पता नहीं, मैं तो आराम से सोया हुआ था जब हुई, तो टाइमिंग तो उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या भैया सही था या गलत था, बट जो भी था ठीक ही था। ये अभी आईटी रेड हुआ है, बट विल दैट एवर डिस्करेज यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू आर डूइंग फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स नाउ? मेरा मैं जब वो 4 दिन चल रहा था तो मेरे अपनी खिड़की से देख रहा था, बहुत सारे लोग जो थे सड़कों पे सोए हुए थे मेरे घर के बाहर। कोई स्कूटर बेच के आया था, कोई साइकिल बेच के आया था, मोबाइल बेच के, कूलर बेच के अपने घर से भी आए थे इलाज करवाने के लिए। आंध्र, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु से, कलकत्ता से आए हुए थे, बाढ़ आई थी मालदा, तो वहां से मालदा से लोग पहुंचे हुए थे। तो मैं उनको देख रहा था, बहुत गरीब फैमिली थी, तो मैं उनको, हम लोग नीचे से खाना भी पहुंचा रहे थे बाहर से लेके, कि आप उनको खाना देते रहें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से, लेकिन आप उनको एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो आई यूज टू फील हेल्पलेस कि यार बड़ी तकलीफ में है लोग, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। बट आफ्टर दे लेफ्ट मैं सीधा नीचे गया और आई मेट ऑल ऑफ देम एंड सबकी बातें सुनी। पूरा दिन लग गया उस दिन लोगों की बातें सुनने में, उनकी प्रॉब्लम्स में सुनने में। बट यस, लाइफ इज बैक टू नॉर्मल, वी आर अगेन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मैं इनफैक्ट जब सुबह आई वॉज लीविंग फॉर अहमदाबाद, सुबह भी 5:30-6 बजे सोए हुए थे मेरे घर के बाहर, और जब मैं गाड़ी से निकल रहा था तो मुझे लगा मैं तो निकल जाऊंगा, इनको पता ही नहीं चलेगा मैं निकल गया हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मीट फॉर अनदर 3 डेज। तो मैंने उनको जगाया कि क्या प्रॉब्लम क्या है, एंड दे सेड यू नो वी हैव कम फ्रॉम गोरखपुर, गोरखपुर से आए थे कुछ एजुकेशन के लिए, एंड वी सॉल्व दैट। सो द आइडिया इज अबीरा कि ये जो मिशन है, आई ऑलवेज कॉल दिस एज अ मिशन, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस सम मिडवे समवेयर। मुझे बड़ा करना है इसको, और बड़ा करना है। मुझे चैरिटी के हॉस्पिटल्स बनाने हैं देश के अंदर, ताकि फ्री इलाज हो सके, बेस्ट ऑफ फैसिलिटी मेडिकल की लोगों को मिल सके। सो आई वॉन्ट टू समवेयर कॉन्ट्रीब्यूट टू माई कॉज, वेयर आई फील कि जो गरीब को कहीं पे मेडिकल की जरूरत हो उसको मिल जाए, तो मेरी कोशिश है। और होपफुली जब अगर हॉस्पिटल मेरा खुद का बन गया तो वहां पे सब फ्री होगा, लोग आएंगे, इलाज करवाएंगे, जाएंगे। What was the most harrowing part of this? When they opened my email thing, जब वो पूरा डेटा वेटा देखते हैं, there were 53,000 unread emails and there were around 8,000 unread WhatsApp messages। तो मैंने बोला कि चलो अभी 53,000 ईमेल, 8,000 मैसेजेस, तो ये तो 61,000 तो हो गए हैं, और बाकी अभी हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, बाकी मैसेजेस देखेंगे तो करीबन 1-1.5 लाख और निकल आएंगे। तो चलो मिलके अभी इसके बाद जब ये सब खत्म हो जाता है तो सबसे मिलके सॉल्व कर दें केसेस, 5-5 केसेस सब जाने दो डिपार्टमेंट को, और लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। सो दे वर आल्सो स्माइलिंग, हंस रहे थे कि यहाँ सर मुश्किल है, वी कैन सी दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज, कि घर के अंदर एक इंसान अगर बीमार हो जाए हमारे घर का, तो हमें पता है कितना मुश्किल होता है उसकी रिपोर्ट्स लेना, उसको इलाज करवाना, उसको दवाइयां देना, वो वापस ठीक होना। आप इमेजिन करिए, हजारों की गिनती में रोज लोग सीरियस प्रॉब्लम्स लेके, आप बात करें लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्यूमर्स, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, आप नाम बोलिए प्रॉब्लम का, वो आती है हमारे पास, बोन सर्जरीज आती है। सो उनको कोऑर्डिनेशन करना, ये गरीब लोग हैं जिनके पास सोर्सेस नहीं है ट्रैवल करने के, ठहरने के सोर्सेस नहीं है, रिपोर्ट्स भेजने के, इलाज करवाने के, टेस्ट करवाने के पैसे नहीं है, तो उनको कोऑर्डिनेट करना कितना मुश्किल रहता होगा। अब पूरा देश लग जाए तो भी मुश्किल है। सो आई नीड मोर हैंड्स। मुझे लगता है कि मैं जिनसे भी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ चलो जुड़ो, आओ हेल्प करो, कोऑर्डिनेट करो। सो आई थिंक दिस इज हाउ वी आर एबल टू रीच आउट टू सो मेनी पीपल एंड द जर्नी कंटिन्यूस। डिड एनी ऑफ द ऑफिसर कम एंड टेल यू सर हमें बोल देना, हम भी हेल्प कर देंगे? सबने बोला, सबने बोला, मैंने वादा किया कि मैंने बोला कि इसको मजाक मत समझना, मैं बॉस भेजने वाला हूँ सब आपके पास केसेस। उनका क्या रिएक्शन था अबाउट दिस रेड? दे फेल्ट वेरी हर्ट, थोड़े से गुस्सा भी थे जब मैं नीचे गया, तो मैं उनको वही बोला कि डोंट हैव टू रिएक्ट टू इट, एंड वही प्रोसेस है, जिंदगी का प्रोसेस है, बट काम नहीं रुकना चाहिए। वो उनकी इमोशन है जो सही है, दे फील कि मैं उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ, परिवार का हिस्सा हूँ, सो दे विल रिएक्ट टू दैट। बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है अबीरा कि आप हर रोज उन लोगों के साथ रिश्ते जोड़ रहे हो जिनको आप शायद कभी मिले भी नहीं हो, मिलोगे भी नहीं दोबारा, लेकिन वो आपके साथ जुड़ जाते हैं और वो आपको अपना खुद मानते हैं। Ever bothered you कि इतना कुछ करने के बाद, देश के लिए कर रहे हैं इतना कुछ करने के बाद, लोग उंगलियां उठाते हैं इस बात पे कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है इस आदमी के पास?
Does that really hurt you or upset you ever? No, it doesn't upset me. I think वो करेंगे ही क्योंकि खुद नहीं सोचते ना कि मैं कहाँ से इकट्ठा करके मदद करूं. उनको ये तकलीफ है कि कहाँ से आ रहा है, वो ये नहीं देखते कि कितने लोगों की मदद हो रही है. आई थिंक वो सोच बदलनी जरूरी है कि यार कमाल ऐसे और 10-15 लोग आ जाए और हजारों लोग बच जाएंगे. तो लोग सोचते हैं कैसे हो रहा है, पर ये नहीं सोचते कि कमाल हो रहा है. You so know you're doing a great job and thank you so much. It's always a pleasure to talk to you. It's always a pleasure. I just keep shining always and thank you so much.